आप सब कैसे हो? मेरे सब खैरियत से होंगे भाई। हाँ तो भाई बारिश हो रही है रामा में। आ ओ तेरी भीगा मैं हूँ। कब मार मौसम, अल्लाह रहमत करे। बस आपको देखो भाई मौसम, ये स्टार्ट है इसकी टैंकी और ये मौसम जो है ये बाहर है। सिलसिले में जब आप आने लगा ये हाल हो गया कपड़ों का, दो मिनट नहीं गुजरे और ये बारिश। अल्लाह रहमत की करे बारिश। बस चलो कमरे में चलो, ये ना फिर ये कहाँ से मैं सुबाऊँगा। बाबा आराम कर रहे हैं आप? अच्छा कूलर चला हुआ। चलो बारिश देखें। ये तो रोज़ जो है ना इनकी चलते हैं ना ना, इनका रोज़ चलता है। बारिश अभी भी हो रही है, हल्की हल्की है अभी भी। यही वाला जो दरख्त ना, ये बड़ा खूबसूरत लग रहा है, बड़ा खूबसूरत लगता है, ज़बरदस्त है। गुले दाऊदी ऐसे ही है कोई, और वो अलग है। तो ये अपनी फीलिंग में है, ये ऊपर अकेला बैठा। नीचे चला जाए, नीचे जाना नहीं है, नीचे हैं। ये अपनी सफाई सुथराई कर रहे हैं, ये अपने खेलों में मजे ना। बारिश कम हो तो फिर घूमने जाते हैं थोड़ा सा बाहर का माहौल देखो भाई बनी हुई। अभी तो बारिश भी इतनी नहीं हुई और यहाँ निज़ाम पहले हो जाता है। बाहर आए हुए मैंने कहा चलो, ये हाल है घरों के आगे। और ये मेरा प्राडो खड़ी है और ये मुर्गियां खड़ी हैं। ओए चलो सही हो, इनसे भी पूछना पड़ता है ना। ये भाई मौसम है आज रामा का। देखने लगो तो एक चैनल लगा है, उस पर माशाल्लाह पीरों शीरों का जो है ना, चलो वो बाबा अल्लाह वसाए अपनी ख्वाहिशात के लिए पहली फुर्सत में काम कर रहा है। तो मुझे एक बात याद आई, मैंने कहा मैं शेयर करूं कि यानी लोगों को अब ना अल्लाह पर इतना भरोसा भी नहीं रहा कि वो इनको देखकर इनके पास जाती हैं तो ये एडवर्टाइजमेंट इतनी करती हैं। अगर वो ना जाते तो इतने पैसे कहाँ से आते हैं कि ये एडवर्टाइजमेंट इतनी करते हैं। अब ये देख ले आपके सामने, ये मुरादों वाली माई पता अलमरूफ मुरादों वाली कुछ है ऐसे। तो ये हमारा आज का दौर है माशाल्लाह कि यानी इतनी आती। मैंने ये चैनल और भी मोस्टली ऐसे हैं डिश पे कि जिस पे मोस्टली ऐसे पीर और फ़कीरों के मुतल्लिक होते हैं। यार नमाज कुरान बेहतर है, वो आसान, वो अल्लाह ताला की तरफ से हमें मदद मिलती है। असल में मेन मकसद ये है कि पीरों फ़कीरों पे जाने का, क्योंकि हमारे कायदे ऐसे बन गए। हम तो जो है ना जादू को वो करते हैं ना, मान लेते हैं कि हाँ होता है, हालांकि मैं तो नहीं मानता अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है अल्लाह का, मेरा यकीन है ही नहीं इन चीज़ों पर। और जो जो हदीस बनाते बताते हैं कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी हो गया, तो वो भी ज़ईफ़ हदीसों में ही आती है। नहीं एक यार माइंड भी नहीं मानता इस चीज़ को, वो पैगंबर थे और उन पर वो हो गए और उनको भूलने की भाई मतलब मान शुरू हो गई चीज़, वो ऐसा मुमकिन नहीं है ना, क्योंकि मासूम होते हैं अम्बिया कराम, उनसे कोई कोताही नहीं होती। ये हकीकत है कुरान में, बल्कि इस चीज़ का ज़िक्र भी है। अब इन्होंने लोगों ने बस अब कुरान में तो ऐसा नहीं है ना कि हुज़ूर पर जादू भी चला था, नहीं है बिल्कुल भी। हाँ ये हम कह सकते हैं कि यार बताया गया है कि नज़र वगैरह से और जो हमारे ख़िलाफ़ हों लोग जो गलत तौर पर, उनके लिए हैं दूसरी चीज़ें। बार ये नहीं अभी अरे पसंद की शादी, अरे अगर पसंद की तो वो खुद कतरीना कैसे शादी ना कर लेते। ये भी तो अक्ल मानने वाली बात है ना
कहते हैं कि भाई पीर साहब हमसे शादी पसंद की तो खुद ना कर ले इतने अमीरों से, वो खुद यहाँ पर क्यों बैठे भीख मांग रहे हैं आप लोगों से। सो इन चीज़ों से निकले भाई, अगर कोई पीरी फकीरी में आया हुआ है ये तवीज़ा तो भाई अपना बेड़ा गर्क कर रहे हो, शिरक है ये अल्लाह के साथ, और अल्लाह जो है सब गुनाह माफ़ कर देते हैं माँ सवाई शिरक के, यह हकीकत है। देख रहा था मैं, जरूर देख रहा हूँ।